Hello friends, my name is Vaibhav Garg and I am from Lucknow. I am also a Rashtrapati Scout of Northern Railway Bharat Scouts and Guide. So, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि वीपिंग कैसे करते हैं. मैंने वीपिंग के ऊपर एक वीडियो और बनाई है, वो थी वीपिंग बाय थ्रेड मेथड. आज मैं आपको सिखाऊंगा वीपिंग बाय क्राउन नॉट मेथड. क्राउन नॉट के जरिए आप वीपिंग कैसे कर सकते हैं. पहले आप जान लें कि वीपिंग क्या होती है. वीपिंग होती है किसी रस्सी के सिरों को सुरक्षित करना. इफ़ आप रस्सी के एंड पे कोई भी प्रोसीजर नहीं अपनाएंगे तो सिरे इस टाइप से खुलते चले जाएंगे और रस्सी आपकी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी. इसलिए आपको कुछ ना कुछ उसके ऊपर प्रोसीजर अपनाना होता है जिससे वो रस्सी ख़राब ना हुए. तो मैं आज आपको वही सिखाऊंगा बाय क्राउन नॉट मेथड, वीपिंग बाय क्राउन नॉट मेथड. ठीक है, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले क्या करना है, रस्सी के सिरों को थोड़ा थोड़ा सा खोल लेना है. ठीक है, खोलने के बाद उसमें सबसे बेसिकली काम क्या करना है आपको, एक जगह पे अपने हाथ को रोक के इन चार सिरों को अलग अलग डायरेक्शंस में रख देना है. ठीक है, आप देख रहे हैं ये चारों को अलग अलग डायरेक्शंस में. ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो भी सिरा आपकी तरफ होगा है ना, उसको लीजिए. ठीक, उसको नेक्स्ट वाले, देखिए फर्स्ट सिरा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से हम बात करते हैं. ठीक है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. तो फर्स्ट वाले को लेना है, सेकेंड और थर्ड के बीच में रख देना है और नीचे से पकड़ लेना है. अब सेकेंड वाले को लेना है, थर्ड और फोर्थ के बीच में रखना है, फर्स्ट के ऊपर से. ठीक, अब इसको फर्स्ट के ऊपर से, इसको भी नीचे से पकड़ देना है. अब थर्ड वाले को भी फोर्थ, फोर्थ और फर्स्ट के बीच में रखना है और सेकेंड के ऊपर से. अब फोर्थ वाले के साथ क्या करना है, फोर्थ वाले को थर्ड के ऊपर से और फर्स्ट का जो ये लूप बना है ना, इसके अंदर से पार करना है. ठीक, क्लियर हुआ. आपको इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा होगा. अब इस इन चारों सिरों को धीरे धीरे खींच लीजिए अपनी अपनी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जा रही हैं उन डायरेक्शन में खींचने के बाद जब ये पूरी तरह से टाइट हो जाएंगे है ना, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे. आप इनको खींच लीजिए अच्छे से. जब ये खींच जाएंगे तो ये आपको इस तरह से कुछ दिखाई देंगे. अब क्या करना है, आपको यही प्रोसीजर 5 बार 6 बार जितनी बार आपकी मर्जी हो उतनी बार आपको करना है. उसके बाद आपकी क्राउन नॉट कंप्लीट हो, ये क्राउन नॉट का बेस होता है. ठीक है, जो हमें अभी हमने बनाया ये है आपका क्राउन नॉट का बेस. क्या करना है, दोबारा एक बार फिर से देखिए, मैं दोबारा बना रहा हूँ. इसी के ऊपर वही सेम प्रोसीजर अपनाया जाएगा जो बेस के लिए अपनाया जाता है. ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट सिरा, सेकेंड, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन एंड द फोर्थ वन. ठीक है, अब फर्स्ट वाले को सेकेंड और थर्ड के ऊपर बीच में रख देना है. ठीक, ठीक है, ये लूप बना हुआ है इसका. सेकेंड वाला था, सेकेंड वाले को लेना है फर्स्ट के लूप के ऊपर से थर्ड और फोर्थ के बीच में, फर्स्ट के लूप के ऊपर से और थर्ड और फोर्थ के बीच में, डन. अब क्या लेना है, थर्ड वाले को सेकेंड वाले लूप के ऊपर से फर्स्ट, नहीं फोर्थ और फर्स्ट के बीच में. अब देन फोर्थ के साथ क्या करना है, थर्ड के ऊपर से, देन फर्स्ट के अंदर से, जो फर्स्ट का एक लूप बन रहा है ना, सबके एक लूप बन रहे हैं, ये फर्स्ट का जो लूप बन रहा है ये वाला, इसके अंदर से. ठीक, बस अब ये जैसे चारों बन गए है ना, अब इन चारों को इनकी अपनी अपनी डायरेक्शन में खींच लेना है. देखिए चारों को खींचना है, जैसे दिखाता हूँ, ये खींची, ये खींचा, ये खींचा, ये खींचा. ठीक, देन ये खींचा, इससे जब तक ये पूरी तरह से टाइट नहीं हो जाए तब तक इनको इस तरह से खींचते रहिएगा, तो ये टाइट हो ही जाएंगे. ठीक है, देन खींचा, देन देन अगेन एंड अगेन. ठीक, फिर से और खींचेंगे. खींचते रहेंगे. ठीक,
देखिए फिर से सेम वही चीज फिर से बनकर आएगी, मतलब जो आपने बेस पे बनाया था सेम वही चीज़ दोबारा बनकर आएगी, क्योंकि प्रोसीजर आपका सेम है। यही प्रोसीजर को आपको 5 बार 6 बार अपनाना है, इसके बाद ये कुछ क्राउन नॉट इस तरह से दिखाई देगी। देख रहे हैं इस पर 6 टाइम्स प्रोसीजर ये वाली यही सेम प्रोसीजर अपनाया गया है। इसके बाद आपको क्राउन नॉट कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये यहाँ पर इसका बेस है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से ये 6 से यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। आपके ये कंप्लीट हो जाने के बाद जो इन रस्सी के सिरे इफ़ आपके कुछ बचे हैं, ये सिरे कुछ बचे तो उनको कैची से काट दीजिएगा, देन आपकी कंप्लीट क्राउन नॉट कंप्लीट हो जाएगी। इफ़ कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इफ़ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं इस पर टाइम टू टाइम ऐसी वीडियोस और भी डालता रहूँगा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।